हाई एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो होगा एक रिव्यू वीडियो। इस पे ये है वेट एंड वाइल्ड का आई लाइनर, लिक्विड आई लाइनर है ये, एंड ये इन द कलर ब्राउन है। इसको मैंने खरीदा है मिंत्रा से। मिंत्रा ने रिसेंटली वेट एंड वाइल्ड लॉन्च किया है एंड नायका पे भी वेट एंड वाइल्ड मिलता है, बट मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा सेल चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं वेट एंड वाइल्ड के कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा लूँ। और तभी फ्री शिपिंग भी चल रहा था, मैंने एक दो करके दो चार चीज़ें मंगा ली है। सो मैंने ये उनमें से एक मंगाया है। सो इसका जो प्राइस है वो है, अब तो मुझे याद नहीं है इसका प्राइस कितना। हाँ, ये 399 रुपीज़ का। मुझे बहुत टाइम से एक ब्राउन कलर का आईलाइनर चाहिए था, तो मैंने इसको देखा तो मैंने इसे ख़रीद लिया क्योंकि मुझे रिव्यू भी करना था और मुझे ये चाहिए भी था। तो इसका प्राइस है 399 रुपीज़। तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि इस पर डिस्काउंट भी चल रहा था तो मुझे ये अराउंड 340 रुपीज़ का पड़ा ये आईलाइनर। सो इस पर लिखा है कि ये बहुत कुछ लिखा है इस पर लिखा है मिस्टेक प्रूफ एप्लीकेशन, उसके बाद इस पर लिखा है वाटर प्रूफ फॉर्मूला, एंड देन इसके बाद लिखा है कि ये प्रिसाइज कंट्रोल देता है। सो ये कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आता है इस तरीके का, और इसमें एक और कलर भी है, ब्लैक है इसमें, और ये कुछ ऐसे दिखता है आईलाइनर। एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक पैकेजिंग है इसमें। मतलब मैंने बाकी जो आईलाइनर्स देखे ना वो इस तरीके के होते हैं ऐसे और गोल होते हैं, ये गोल नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। हाँ, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बट हाँ दिखने में मुझे अच्छा लगा। सो इस पर लिखा हुआ है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, रियली रियली गुड, आई डो नॉट लाइक प्रोडक्ट्स दैट आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स। एंड पहले मैं ये देखती भी नहीं थी कि वेदर इट्स टेस्टेड ऑन एनिमल्स आर नॉट, बट अभी देखने से, मतलब अभी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे मेरी हर हरकत ना लोग देखेंगे, सो डेफिनेटली आई एम एन एनिमल लवर। सो मैं पहले कुछ भी खरीदने से पहले मैं ये देख लेती हूँ, अगर मुझे इनकी वेबसाइट पर दिख जाता है कि क्रुएल्टी फ्री है तो मैं डेफिनेटली, इट इज़ अ प्लस पॉइंट, इफ़ इट्स एनवायरमेंटल फ्री इट्स अ प्लस पॉइंट, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ के लिए उस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, हर किसी को करना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से। इस पर लिखा हुआ है कि H2O प्रूफ, दैट इज़ वाटर प्रूफ। सो इस पर ये लिखा हुआ है, एंड इस पर क्वान्टिटी आपको मिलती है 5 ml। और एक चीज़ इस पर है कि यहाँ पे ये फॉर्म ये बना हुआ है, आपको दिख रहा है नहीं मुझे नहीं पता, ये एक स्टब है जो कि ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसे ओपन करने के बाद 6 months तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगा। सो ये लिखा हुआ है इस पर। एंड हाँ, अब इसके एप्लीकेटर की बात करते हैं, ये ऐसा इसका कुछ एप्लीकेटर है, ये ड्रिप कर रहा है, ऐसा इसका कुछ एप्लीकेटर है, एंड ये ब्रश भी नहीं है और ये एक फेल टिप एप्लीकेटर भी नहीं है, ये थोड़ा सा बीच में है कहीं, ये एक मतलब इस तरीके का कलर है, आपको अगर ब्लैक ही दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्मज कर लेती हूँ, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर है इसका। एंड ये फेल टिप एप्लीकेटर एज इन मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट सा फेल टिप एप्लीकेटर जैसा होता है ना वैसा है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, और इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ब्लैक हर कोई लगाता है, बट द थिंग इज कि मुझे ब्लू आई लाइनर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड ऑल्सो मुझे ब्राउन बहुत टाइम से चाहिए था, बट मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं, बट आफ्टर आई सॉ दिस आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ये कलर बहुत टाइम से, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने खरीद लिया इस चीज़ को। तो मुझे तभी पता नहीं था कि ये इस तरीके के एप्लीकेटर में आता है, क्योंकि मैंने इसका कोई रिव्यू नहीं देखा था, और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ब्रश एप्लीकेटर यूज़ करने में, ब्रश टाइप का एप्लीकेटर यूज़ करने में, मुझे फेल टिप एप्लीकेटर इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, सॉफ्ट फेल टिप, हार्ड फेल टिप जो भी हो मुझे पसंद नहीं है। सो मुझे पता नहीं था वो, एंड मैंने इससे पहले इसको लगा के देखा नहीं है, तो अभी मैं कैमरा के सामने ही फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगी, जस्ट मुझे एक दो दिन पहले ही इसके प्रोडक्ट्स मिले हैं तो मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। सो इस पर लिखा है कि ये प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है, वाटरप्रूफ है, सो इसको हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ड्राई होने दूंगी, अभी मैं इसको अपने आईज पे आपको लगा के दिखाऊंगी। इसी इतना ज़्यादा लिक्विड ही तो है नहीं, बट समवेयर इन बिटवीन है, तो इसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। सो मैं इसको एक आई पे लगा चुकी हूँ, और सो फार मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब
अच्छा है, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आई लाइनर लगाते टाइम बात नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं दो मुझे फेल टिप एप्लीकेटर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। डेफिनेटली ये एक प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है। आई फील कि जो बिगनर्स है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इसका फेल टिप वैसा नहीं है कि मतलब मुझे फेल टिप आईलाइनर्स इसीलिए पसंद नहीं थे क्योंकि अगर मैं कोने में लगाने जाती थी ना वो स्टिफ का स्टिफ ही रहता था, जैसा भी होता मैं लगा नहीं पाती थी उसको, तो मुझे इसीलिए फेल टिप आईलाइनर्स इस तरीके से मतलब यहाँ पे साइड में लगाने के लिए तो ठीक होता था, बट देन यहाँ पे कोने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आई फील कि ये सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो सिंस मेरा ये वाला स्मज सूख चुका है, अब मैं देखूँगी कि ये स्मज होता है कि नहीं। स्मज बिल्कुल भी नहीं हुआ और अब मेरे पास थोड़ा सा वाटर है तो इसमें स्प्रे करूंगी और आई एम होपिंग कि ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ हो। ये है वाटरप्रूफ एंड आई एम सो आई वाज होपिंग कि यू नो इसके सारे क्लेम्स सही निकले, बिकॉज मुझे अब तक ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट, बिकॉज 6 months का जो शेल्फ लाइफ है वो भी मुझे अच्छा लगा। इट इज़ फेयर फॉर दिस काइंड ऑफ एन आई लाइनर। प्रिसाइज एप्लीकेशन है वो भी मुझे अच्छा लगा। मिस्टेक प्रूफ एप्लीकेशन का क्या मतलब है मुझे समझा नहीं, आई थिंक कि बिगनर फ्रेंडली है ये बोलना चाहते थे। डेफिनेटली हाँ, बिगनर फ्रेंडली भी है, वाटर प्रूफ भी है एंड इसका कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि करीब इतने डिस्टेंस से भी मुझे पता चल रहा है कि ये ब्लैक नहीं है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है। एंड ऐसे आईलाइनर को आप डेली बेसिस पे भी पहन सकते हो, तो मुझे ये आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके सारे क्लेम्स भी ट्रू है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई आईलाइनर चाहिए जो ब्लैक ना हो तो आप इसे ख़रीद सकते हो। ये बिल्कुल भी मतलब स्मूथ एप्लीकेशन है इसका, शेल्फ लाइफ भी इसका बराबर है, सब कुछ अच्छा लगा मुझे इसके बारे में, तो मैं रिकमेंड करूँगी खरीदना है तो प्लीज़ इसको आप कंसिडर कीजिए। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज। मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ एवरी सिंगल डे, मंडे टू फ्राइडे तो करती हूँ, सैटरडे संडे कभी कभार मैं कर लेती हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल से अपडेटेड होना चाहते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड छोटा सा बेल बटन होगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद, तो प्लीज़ आप उसको भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।